उसी कोई कीमत नहीं। ढाका पत्ता ही तो है और वो भी दोष पूर्ण, कोई गुण नहीं है उसमें, दोष ही दोष है। बाहर से भी जलावे, अंदर से भी जलावे, छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप गुरु के सामने बैठे हो और आप कहते हो कि भगवान से हम मिलना चाहते हैं, और गुरुदेव भगवान के द्वार पे बैठे हैं और आप कह रहे हैं आप अंदर तो जा सकते हो भगवान के धाम में, आपको भगवान भी उतना ही याद करते हैं आपको जितना आप भगवान को याद करते हो। लेकिन एक चीज है, वो बाहर छोड़नी पड़ेगी तो भगवान के धाम में आप जा सकते हो। बोले क्या? आपको ये छोड़ना पड़ेगा बाहर कि मेरी पूछ होनी चाहिए। अगर आप कहो कि मेरी तो गुरुजी पूछ होए ना होए, हमें तो भगवान से मिलना है, अब तो सबसे पीछे बैठ जाएंगे, प्रसाद की भी मनाही कर दे, चाहे हाँ मिले मिले, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अमृत मिलना चाहिए, अमृत कानों को। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी को कि मैं प्रसाद देने लोगों के, ना ना मैं नहीं देना, आप ही ने तो कहा था कि प्रसाद ले, मैं ऐसे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भैया बट गया, छोटे बच्चों में बट गया तो आपके मन में इतना संतोष शांति होने चाहिए, कोई बात नहीं कल ले लेंगे। और ये प्रसाद ही तो था, ये कथा सुन ली, इससे बड़ा क्या प्रसाद होगा भगवान का। मैं ये बात सिखा रहा हूं और पूछ की बात जहां आवे पीछे हट जाओ। हनुमान जी जब पूछ की बात हुई ना, सबसे पीछे बैठे थे, अपने खेल रहे थे पूछ के साथ, पूछ को कह रहे थे देखते रहे झगड़ा हो रहा है वहां पे, हाँ सब कह रहे हैं मेरी पूछ नहीं मेरी पूछ नहीं। अब जामवंत जी ने तो सबको पूछा कौन छलांग लगाएगा समुद्र के ऊपर से, लंकापुरी में कौन जाएगा। पहले तो सब बड़ी बड़ी डींगे हांक रहे थे, हनुमान जी नहीं थे वहां। अंगद कहने लगा मैं जाऊंगा पर मेरे को वापस आने में संदेह है। जाते समय तो माँ बैठी है सामने, खींच लेगी मुझे लगता है वापस आते में समस्या हो सकती है। तो जामवंत जी ने सोचा ऐसा भी है कोई जो कहता है कि, तो हनुमान जी देखे दूर बैठे, कह लगे भैया तेरे को पूछ से कोई मतलब नहीं, तू ही कर सकता है ये सब काम। फिर उसको याद कराया, जागो केसरी नंदन जागो पवन पुत्र जागो, पवन तनय बल पवन समाना, पवन के समान बल है आप में। तो ऐसे करके बस एक मंत्र बताया मैंने आपको, कोई आपको आगे करे किसी काम में प्रसन्नता से खुश होके उनको कहो मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें ठीक हो आगे, हाँ तुम्हारे साथ ही हूँ मैं, कोई दूर थोड़ी है, देखो हाथ के हाथ लगा रखा, एक ही बात है। ये यहाँ आके सबकी भक्ति 99 लोगों की भक्ति यहाँ आके अटकती है, पहले से ही चलती है, बचपन से भक्ति शुरू हो जाती है, माँ की उंगली पकड़ कर जिस दिन मंदिर में आना शुरू करते हैं ना हम, उसी दिन से हमारी भक्ति
शुरू हो जाती है, यहां आकर के अटक जाती है पूछ के ऊपर, और इसी बात से परिवार खिंडता है, इसी बात पर बिखर जाते हैं भाई भाई। मेरे को पूछा नहीं, अरे तेरे को पूछ लिया, एक ही बात है मेरे को पूछ लिया। ये बस ये ज्ञान है, ये ईश्वर मिल गया। कंचन तजना सहज अभी कहे मैं इतना बड़ा त्यागी, अन्न नहीं चाहिए मुझे, धन नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, पैसे के हाथ नहीं लगाता मैं, इतना बड़ा संत। झगड़ा क्यों है? झगड़ा इसलिए है संत को पूछा नहीं। हाँ, काम करने से पहले ना पूछा नहीं गांव वालों ने, असंत उदास। बात तो यहाँ पूछ से ही झगड़ा होता है, पूछ में ही तो उदासी है। पीछे 2 महीने पहले मैं भी कर रहा, मेरे को नहीं पूछा, ऐसे होता है ना भाई। बात बता, किसी की भी बात होती है वो बात को छुपाना नहीं चाहिए, बात को प्रत्यक्ष कर दे। किसी का कुछ बिगड़ता नहीं, संत की भक्ति में विघ्न आता है। अच्छी खासी भक्ति चल रही हो, अचानक दिमाग खराब हो जाए, पूछा नहीं। दोष किसी में भी हो तो होना नहीं चाहिए, बात तो ये हो रही है ना, होना नहीं चाहिए। पूछ के चक्कर में नहीं पड़ना। घर में इसी बात का झगड़ा होता है, मेरे को नहीं पूछा। अब बड़े बुजुर्गों को ये लगता होगा, इधर वाले स्टाफ को, आके भैया ये तो हमारे ऊपर ही हो गई आज की तो सारी कथा। तो ये ऐसा नहीं है, बात ये है कि आप आशीर्वाद दे सबको, आप बड़े हो, मातृ देवो भव। सब कहते हैं माताओं को देवता मानो, भगवान के समान होते हैं। अब भगवान के समान बनो तो भगवान वाले गुण आप में आने चाहिए, और भगवान के गुण तो ये हैं कि भैया हमारा तो काम है ऐसे आशीर्वाद देना, पूछो ना पूछो ये हाथ ऐसे ही रहेगा। हाँ, हम तो आशीर्वाद देंगे, पूछोगे तो भी देंगे आशीर्वाद, और नहीं पूछोगे तो भी उदास नहीं होएंगे, नाराज नहीं होएंगे, तो भी ऐसे ही आशीर्वाद है। ये बात समझा रहे हैं बस, आशीर्वाद देवता बनो। देवताओं का काम तो ऐसे ही होता है, बच्चे हैं, बच्चे तो भूल जाते हैं, और बच्चों में तो दोष भी है, और बच्चों में तो अहंकार भी है, और बच्चों में तो सब बातें हैं, लेकिन भगवान में वो नहीं होती, भगवान में उदासी नहीं आती, भगवान में अहंकार नहीं आता, भगवान में दूरी नहीं होती। भगवान में तो एक ही काम है, दया निधान, करुणा निधान, कृपालु, दयालु, क्षमा करने वाले, माफ करना है उनका तो काम है। आपका भी वही काम हो जाए, सबको क्षमा करना, सबको माफ करना, फिर सोच लो भगवान ने। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये बड़ा मुश्किल है। मान बड़ाई की भूख होती है ना, इसको छोड़ना, बड़े बड़े तपस्वी लोग भी वहां जाके अटक जाते हैं, योगी लोग भी वहां जाके कि मेरी पूछ नहीं हुई। और मैं आपको चाहता हूं कि आप इस अगर इस चीज को पहले ही समझ जाओ, फिर आप कभी अटकोगे नहीं। सीधे भगवान के धाम में, और भगवान आपके धाम में हर पल रहेंगे। आप भगवान के धाम में रहोगे और भगवान आपके धाम में रहेंगे 24 घंटे हर पल। बहुत ऊंची बात है,
प्रार्थना करो प्रभु से, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नारायण, ऐसे मुझ में सामर्थ्य तो देव, ऐसे बुद्धि देव कि मैं अपने पूछ कर आऊ ही नहीं, पूछ तो दूसरों की हो जाए और मुझे आप मिल जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसे पूछ का करना क्या है भगवान, तो मिले ही ना और झगड़े में पड़े रहे, मुझे तो आप मिल जाना, पूछ कर आते रहो, पूछ कर आने वाले, मुझे तो आपकी जरूरत है। तो मतलब क्या है, भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा होती है, आप भी कोशिश करो अपनी पूजा ना करा के, अपने सामने कोई है, बालक है, युवा है, बच्चा है, बूढ़ा है, पुजारी है, भंडारी है, पड़ोसी है, कोई भी है, और जब भक्ति में बढ़ गए ना आगे, तो एक आदत होनी चाहिए। नारद जी जब चलते हैं ना, तो सबको पता है क्या करते हैं, नारायण नारायण ये तो बोलते हैं। और नारद जी के मन में एक बात कभी आती नहीं, और हनुमान जी के मन में एक बात कभी आती नहीं, क्या कि हम क्यों राम राम करें, पहले पहले ये करें, ये छोटे हम बड़े, ये देखो ये थोड़ी ऊंची बातें हैं, ये बहुत देसी घी होता है ना, ज्यादा नहीं खा सकते, हाँ कुरकुरे तो दो दो पैकेट खा जाएंगे, चार चार भी, और देसी घी नहीं ज्यादा खा सकते, वो तो इतने थोड़े से में कहेंगे बस बस। अब ये बातें हैं ना, ये तो देसी घी से भी ऊंची अमृत हैं। आदत नहीं है इन बातों की सुनने की, इन बातों के ऊपर चलने की, और आज गुरु जी ने पकड़ लिया, और आज नंबर लग गया स्टाफ का। तो बात क्या हो रही है, आज बात ये हो रही है कि राम राम बोलना है, और एक बात नहीं सोचनी, क्या नहीं सोचनी, कि मैं पहले क्यों करूं, पहले ये करें, बस राम राम तो आप जो आप नहीं बोलना है, बस ये सोच ले, सामने वाला करे ना करे उससे पहले हम ही बोल देवे राम राम, बच्चों राम राम, देवियों राम राम, भाई राम राम, बेटा राम राम, छोटे पोते हाँ ये राम राम, ऐसे बोलना शुरू कर दे। भगवान का नाम है, जरूरी थोड़ा ही है कि मन के कोई घिसाना है, अभी ना मन के भी वो सामने वाले भी तो मन के हैं। अब 108 लोग बैठे हैं सामने, और हमने सबको बोल दी राम राम, जाप हो गया कि नहीं, अब उनके कान में पड़ गया। और सुनो, अगर आपकी कोई मजाक भी करेगा ना, तो आपको वो मजाक लाभ करेगी। कैसे लाभ करेगी, ए वो आ गई राम राम वाली, हाँ मजाक भी लाभ करेगी, मजाक भी आपकी कोई करे ना, कर लो कर लो कर लो भैया, राम के नाम की तो है बात, और तो कोई बात हो बताओ। मेरी एक आदत है, गुरु जी ने बताया, संतों ने बताया कि राम राम करो। अब आप वृंदावन में जाते हो, चलो पड़ोसन के तो चक्कर में आप ज्यादा रहते हो कि मैं इसको राम राम क्यों करूं, पहले ये मैं बड़े बाबे की हूँ, ये छोटे बाबे की है, तो उसके चक्कर में तो आप हो। अगर आप वृंदावन चले जाओ, कोई वहां पे सोचता है कि पहले मैंने नहीं राधे राधे बोलनी, तो इसको इस गांव को वृंदावन बनाना है कि नहीं, कोशिश करो, किस किस ने बनाना है हाथ करके दिखाओ, करें वृंदावन बनाना है इस गांव को। तो जब वृंदावन बनाना ही है,
तो फिर यही सोचना है कि मैं क्यों राम राम करूं, हे भगवान एक महीना हो गया उसने भी राम राम करी फिर मैं भी क्यों करूं। एक महीना का नुकसान कर लिया बताओ, इतने में अपने दिन लवे लगे हुए हैं। हाँ पटाखा बोलने वाला है, बताओ इसी चक्कर में रह जाओगे? ना ना, हम तो आज ही से शुरू करेंगे, मंदिर से लगे घर तक कोई भी मिले हाँ राम राम भाई राम राम, और मंदिर घर से लेके मंदिर तक कोई भी मिले राम राम, चार दिन चाहे आपको पागल कहले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चार दिन के बाद आप कोई कहेंगे कि ये कर रहा है, ये मजाक तो कर रहा है, राम का जाप कर रहा है, भजन कर रहा है, इस तरीका है इसका, इसका तरीका है। अब मथुरा वृंदावन में जाओ, रिक्शा वाला भी राधे राधे, तो वो राधे ही बोलेगा, रिक्शा वाला भी राधे बोलेगा, ये नहीं कहेगा ताई दूर हो जा ना, राधे राधे बोलेगा। तो आप कभी ये काम होना चाहिए, आप उनको जिसको भी बोलो ऐसा सोचो कि सामने वाला राम ही तो है, भैया राम राम, कितना अच्छा शब्द है, कितना सुंदर नाम है राम भगवान का, कृष्ण बोलो राम बोलो हर हर महादेव बोलो जय माता की बोलो, जो शास्त्र के अनुसार भगवान के नाम है, जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा राधे राधे सीता राम राधे श्याम, बोलो प्रेम से बोलो। बस ये सोचना नहीं कि हम पहले क्यों बोल रहे हैं, इसका कोर्स कराने वाले भी आपको मिलेंगे, जैसे मैं कोर्स करा रहा हूं ना कि राम राम बोलो, तुम्हारे बच्चे भी मिलेंगे घर पे, वो ऐसे उल्टा कोर्स कराएंगे, हाँ माँ तू क्यों करे, हाँ तो बता माँ 70 साल की हो गई तू मत राम राम कर, उसको उसका फर्ज बने, उनकी बातें में नहीं आना, उन्होंने उनको कहना कि तुमने 70 साल कोर्स करा दिए, उलझा रखा है इसमें से निकलने दे, अब तो अब तेरे मेरे में से अड़ोसी पड़ोसी की उलझन में से अमीरी गरीबी में से अपने पराये में से अब बेटे अब तुम संभालो ये कोरस, अब हमको निकलने दो इसमें से, अब तेर मेर नहीं, हम तो सारे ही राधे बन गए अब, हाँ हम तो सभी राधे राधे हो गए, मंदिर का रंग चढ़ रहा है भगवान का, संतों का रंग चढ़ने दो, अब ये रंग हम गृहस्थी वाला आगे पीछे निकलने वाला पड़ोसियों से, इनके 2 रोकरी होगी हमारे 3 होनी चाहिए, इनके 3 होगी हमारे 4 होनी चाहिए, इस चक्कर में से निकलना है बाहर, इसमें नहीं पड़ना, ऊपर उठो इसको अब छोड़ दो, संभाल लो भैया बेटा संभाल लो, काम अपने अपने संभाल लो, और हम अपने भगवान को संभाल रहे हैं, अपने आप को भगवान के अर्पण कर रहे हैं, चिपका हुआ है इसमें मैल उसको उतार रहे हैं, रोज एक बात सीख के आते हैं गुरुओं से, और घर में आते हैं तुम उसको भुलाने की कोशिश करते हो दोबारा, फिर अपना रंग चढ़ाते हो, अब तुम्हारा बहुत सुन लिया, अब तो तेरा तेरा बोलना है, मेरा मेरा छोड़ना है, मेरा मेरा नहीं बोलना। तो सबको पता है भगवान गजानन को मैया पार्वती ने द्वार पे बैठाया, भगवान शिव आए, शिव को रोका, भगवान शिव ने कथा ऐसी विचित्र है विलक्षण है, बात कुछ और है सुनने में कुछ और लगती है, सुनने में तो ऐसा लगता है कि पिता ने पुत्र को मार दिया, ले वो बताओ कर दिया अनर्थ, ऐसा नहीं है, रहस्य की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। तो भगवान शिव ने गणेश जी का मस्तक काट दिया,
पार्वती नाराज हुई, मैंने अपने लिए एक गण बनाया था पर आपने उसको भी खत्म कर दिया। पार्वती ने अपना रोष दिखाया, भगवान शिव ने देखा, पार्वती नाराज हो गई। हमारे पुराणों की महिमा लीलाएं हैं, यहाँ राधा कृष्ण से कभी कभी रूठ जाती हैं। तो पार्वती क्रोधित हो गई भगवान भोले बाबा से। एक बार लक्ष्मी मैया भी रूठ के वहां चली गई कोल्हापुर निवासिनी। लक्ष्मी माता बैठ गई जाके कोल्हापुर में, नाराज होके भगवान नारायण से। तो क्या क्या इंसान की जैसी लीलाएं करके मेरे भगवान दिखा देते हैं, जो कहते हो ऐसा लगता है कि जैसे इंसान करते हैं ऐसे भगवान भी करते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है। वो लीला करते समय कभी भूलते नहीं कि हम एक हैं, और इंसान जब करता है तो वो भूल जाता है कि हम सब एक हैं, हम तो लीलाएं कर रहे हैं। अंदर से एक बन के रहो तो भगवान देवताओं को, जैसे लक्ष्मी मैया उदास होकर बैठ जाती हैं, देवता आते हैं मध्यस्थता करनी पड़ी बीच में, ऐसे भगवान शिव और पार्वती के बीच में देवता आए। पार्वती कहने लगी मुझे मेरा पुत्र चाहिए, और कथा आती है कि उत्तर दिशा में जाओ और एक हाथी का बच्चा है वहां, जिसकी माँ उससे मुख फेर के सोई है, उसका मस्तक लेकर के आओ और विनायक के सिर की जगह लगाओ धड़ पे, और हाथी का मस्तक लगा गज का, आनंद आनंद कहते हैं मस्तक को, शीर्ष को, मुख को, और गणपति का विनायक का नाम गजानन हो गया। गजानंद नहीं, कोई कोई माता गजानंद बोलती है, नंद नहीं, गजानन, आनन, गज के जैसे आनन वाले गज मुख। तो ऋषियों ने इन कथाओं को ऐसे ही, इनमें ऐसे रहस्य भर के, ऐसे ज्ञान भर के, ऐसे तत्व भर के आप तक पहुंचाया कि ताकि रहस्य की बातें सामान्य लोगों तक भी पहुंच जाएं। वेद की सब बातें हैं, उपनिषदों की सब बातें हैं, लेकिन वेद और उपनिषदों की भाषाएं इतनी क्लिष्ट हैं, इतनी गूढ़ हैं, वो आप उनको सुन सकते नहीं, समझ सकते नहीं, पर इन कथाओं के माध्यम से अगर आप इन कथाओं को सुने तो एक एक बात समझ में आ जाती है। लेकिन कब आएगी समझ में? गुरु की संगत होनी चाहिए, उसको बताने वाले होने चाहिए गुरुदेव। अगर गुरु की संगति के बिना आप इनको पढ़ेंगे तो ये आपको भ्रम में डाल सकती है, दिशा भ्रांत कर सकती है आपकी। आपके मन में आ सकता है भ्रम, ऐसे कैसे हो गया?
ये भव सागर है, अटवी है। जो पहले इसको जानता है रहस्य को, संसार से लेके और भगवान के परम धाम तक का एक मार्ग है, जो उस मार्ग पर अनेकों बार आया और गया, ऐसे गुरु का हाथ पकड़ के और आप सीधे जा सकते हो, कोई समस्या ही नहीं। और अकेले प्रयास करोगे बात नहीं बनती। जंगल है बहुत, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों के पास, जो उस जंगल का रहने वाला है वो आपको मिल जाए तो यह जंगल बहुत गहरा है। बोले हाँ, इसमें क्या 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 है तो बताएंगे, इसमें तो सब कुछ है, सिंह हैं, सर्प हैं, हिंसक जीव जंतु हैं, जंगली मानव हैं, जंगली सुअर हैं, पशु हैं जंगली, और ऋषि मुनि भी हैं, और सिद्ध महात्मा हठी योगी तपस्वी जति सती भी हैं। अब तुम कहो चलो हम अपने आप चले जाएंगे, अपने आप चले जाओगे तो गलत रास्ते पड़ जाओगे, नाश्ता कर जाएगा शेर। हाँ, तो उसको पूछो भैया आप हमें फिर सिद्धों के संतों के दर्शन ही करा दो। आप उसको देखो जो वहां के रहने वाले होते हैं, उनको शॉर्टकट भी पता रहता है और उनके पांव ऐसे जम जम के चलते हैं, फिसलते नहीं, आदत है, स्वभाव है। हम और आप वैष्णो देवी जाते हैं, तीर्थों की यात्रा में जाते हैं, एक दिन में जाते हैं, आते हैं, दो तीन दिन तक टांगे अकड़ी रहती है, और जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, हाँ चार चार चक्कर रोज लगा ही रही, काम वही है, तुम्हारे पोते को ले जाते हैं बैठा के, किसी के बच्चे को ले जाते हैं उठा के कंधे पे, और वो खुद भी चल रहे हैं, बच्चा भी है कंधे पे, सुबह से शाम तक चार चक्कर लगा देते हैं, ना तो भागते और ना घिसर पिसर करके चलते, ऐसे रखेंगे पैर जैसे मशीन चलती है, उनको हिसाब है सारा दिन भर का, नियम से वो उतरते हैं चढ़ते हैं, आदत है स्वभाव है। तो ऐसे संतों का स्वभाव होता है, वो तो रोज भगवान के पास आना है, रोज भगवान के पास जाना है उनका, रोज भगवान उनके पास आते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं, वो तो रास्ता उनके तो पैर लग गया, जिधर वाला रास्ता अपने पांव लग जाता है ना जी, दूर नहीं दिखता फिर, और जिधर वाला पैर नहीं लगा 2 किलोमीटर भी ऐसा लगता है इधर इधर नहीं हम कभी जाते, ऐसा होता है। अपने गांव से ही लगा लो, इधर जाओगे दूर नहीं लगता, उधर जाओगे तो दूर लगेगा, क्यों? अभी आदत नहीं उधर जाने की, जिधर जाने की आदत नहीं, स्वभाव नहीं, नहीं जाते, और जिधर वाली साइड में जाने की आदत है, कोई दूर लगता ही नहीं, 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर अकेले ही जाके आ जाते हैं, क्योंकि वो आदत है। तो ऐसे जे श्रद्धा संबल रहित, कल भी ये दोहा सुनाया था, यदि श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जिनको रघुनाथ प्यारे नहीं, जिनको संतों की संगत मिली नहीं, जिनको संतों के वचनों में विश्वास नहीं, और जिनके मन में ये विश्वास नहीं कि मुझे भगवान जरूर मिलेंगे,
उनको नहीं मिल सकते थे और उनका जीवन तो आज भी मुर्दे के समान है। जीना भी जीना नहीं, जीना तो उसी का जीना है जो हर सांस में कहे राम नाम सत है। मां कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन और जगत सब सपना, सपना है जगत और भगवान का नाम ही सत्य है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्य ही नारायण है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है और सत्य ही आप हो। लेकिन आप सत्य को भूले हुए हो, आप सत्य हो, इस बात को बस शुरू करो सोचना, चिंतन करना कि हाँ हम, हमारा काम एक ही है, हम भगवान से मिलने के लिए आए हैं इस दुनिया में, यही तो काम है हमारा। घर के काम तो ही शरीर करता है जी, मन तो हमारा भगवान का हमने सौंप ही दिया, कई दिन पहले ही चढ़ा दिया था भगवान के चरणों में। मन भगवान का है, बुद्धि भगवान को सौंप रखी है, चित्त भगवान को सौंप रखा है, अहंकार भगवान के अर्पण कर दिया, पूछ भगवान की होनी चाहिए बस। राम की बड़ी माया है, राम के परिवार को देखा आपने कभी? सबने देखा, भरत को देखा, शत्रुघ्न को देखा, लक्ष्मण को देखा, कौशल्या को देखा, किसी ने भी? तीन देवियां और हैं सीता के अलावा, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, भरा पूरा परिवार। किसी ने भी एक बार बताओ, किसी ने भी कहा हो कि मेरे को पूछा क्यों नहीं? राम की जब पूजा करते हैं अयोध्या के लोग, एक भाई ने, एक उसके भाइयों की वधुओं ने, किसी ने भी आगे आगे ये नहीं बोला कि राम राम की पूजा होती है, हमारे तो हो ही नहीं रही। कितनी बड़ी तपस्या भरत लाल की, कभी बोला भरत ने मेरी पूजा क्यों नहीं करते? कभी शत्रुघ्न ने सीता की पूजा हो रही हो, कभी भरत की देवी मांडवी आई कि मेरी आरती करो, रोज करते हो सीता की? तो इतनी सी बात है और आपको पता है और सत्य बात है ये, और आप नहीं इसको अपना सकते। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साध ले। पूजा पूजा हो रही है, पूछ हो रही है, भगवान की हो तो रही है, और भगवान में हम सब आ गए। गुरु जी की पूछ हो रही है तो सब की हो गई भाई, एक आदमी की हो गई तो सब की तो हो गई। अब सब की अलग अलग हो जाएगी क्या? पूछते ही हैं, इंजन है ये तो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के डिब्बे कभी मुड़ते नहीं। क्या होता है वो तो इंजन है, कभी इधर जुड़ गया कभी उधर जुड़ गया, डिब्बे तो वहीं खड़े रहते हैं, डिब्बे थोड़ी मुड़ते हैं। वो तो इंजन खोला आगे से और पीछे जुड़ गया, रेल तो वहीं की वहीं है। तो आप अपनी जगह पे रहो, अपनी जगह से कहो पूजा तो भगवान की हो रही है, पूछ भगवान की होनी चाहिए, सब कर्म बन रहा है, रोज कथा हो रही है, रोज अभिषेक हो रहा है भगवान का। अगर मेरी पूछ की वजह से वो सारा कुछ रुक जाए, ऐसी पूछ का मैं क्या करूँ? ऐसी पूछ से तो हम दर्शन कर रहे हैं, रोज कथा सुनने को मिल रही है, रोज भगवान का दर्शन और हाथ लग जाता है, कोई आगे बैठे कोई पीछे बैठे, कोई पूछ हो रही है नहीं हो रही है, यही मंदिर पहले भी यही था, यही गांव यही था, अब नहीं हो पाई ऐसी कृपा।
और बड़ी अनुकंपा हो रही है आपके ऊपर। यही मथुरा है, यही द्वारिका है, यही काशी है। इतनी ऊंची ऊंची कथाएं सुनने को आपको घर बैठे मिल रही है, और एक पूछ के पीछे ये सारा काम खराब हो जाए तो फिर के कई वाला ही काम हो गया कि नहीं हो, अच्छी बात नहीं है। इसलिए हनुमान जी आते हैं राम कथा में और भेष बदल बदल के आते हैं और छुप के एक कोने में बैठ जाते हैं। ये नहीं कहते मेरी पूछ, तो मेरे भगवान की हो तो रही है पूछ, मेरे भगवान की, मेरे राम की कथा हो रही है, अब मेरे को अलग से करानी है क्या अपनी कथा। लक्ष्मण कभी नहीं कहते कि मेरी कथा अलग करो, भरत नहीं कहते मेरी अलग कथा करो, शत्रुघ्न नहीं कहते मेरी कथा अलग करो, उनके चुप में ही बल है। राम कहते हैं भरत भैया मैं तेरा कर्ज, हनुमान जी का कर्ज किसी का कर्ज दे सकता ही नहीं, उऋण नहीं हो सकता, कपि से उऋण हम नाही, किसी का भी मैं कर्ज दे सकता नहीं। आप भगवान के अर्पण हो जाओ, आप भगवान के प्रिय हो जाओ, बस कोई भी बन जाओ, आपका तो मोक्ष हो गया, आपको तो भक्ति मिल गई, आप भगत बन गए। पूछ तो पहली दूसरी क्लास का नाम है, आप तो MBA पास हो गई, अब क्या पूछ करनी है। पूछ तो छोटी सी चीज है, बच्चों की चीज है, वो तो छोटे लेवल की बात है, आपको कोई पूछे ना पूछे, अरे इतना बड़ा काम हो रहा है, ये पूछ की बात नहीं है। यहाँ भगवान की लीला, भगवान की माया की बात है, कृपा हो रही है, बरस रही है कृपा, आनंद लूटते हैं हम। राम राम पहले हमने बोल दिया तो आनंद आ गया। रामायण में से सीखो, तत्वों को सीखो। कैकेयी ने वनवास दे दिया, कौशल्या ने कहा नहीं क्यों दिया, कुछ ना कुछ तो सीखो उनमें से। सुमित्रा माता कहती है अपने दोनों बेटों को, मेरे नहीं हो तुम दोनों, हाँ एक तो भरत के साथ रहो, एक राम के साथ जाओ। लक्ष्मण राम ही तेरे माता पिता, राम सीता हैं आज से। सुमित्रा मैया क्या कहती, अवध वहां जहां राम निवासु, जहां राम है ना, अगर राम वन में है ना तो वन को वन नहीं समझना, अयोध्या ही समझना। राम कहां अयोध्या, अब राम चले जाएंगे अयोध्या में, फिर अयोध्या नहीं है, अयोध्या में तो सुनसान हो जाएगी, 14 साल तक भी ज्योत भी नहीं लगेगी किसी के घर में। अयोध्या तो वही है जहां राम है, जाओ तुम। और शत्रुघ्न तुम जाओ भरत लाल के साथ, ऐसी बन जाओ माँ, कौशल्या जैसी माँ बनो, सुमित्रा जैसी माँ बनो, बस कैकेयी जैसे नहीं बनना। और कैकेयी जैसे अगर भगवान बना भी देवे तो एक प्रार्थना फिर भी करो कि बच्चा मेरा भरत जैसा हो जाएगा। प्रार्थना करो, चलो भगवान की माया है, हम चाहते नहीं कि हमारे से गलती होए, फिर भी कई बार हो जाती है, बड़े बड़े तपस्वी मुनि ऋषियों से हो जाती है। तो ये प्रार्थना करो कि मेरा बच्चा तो भरत के जैसा हो जाए। संत कहते हैं कि कैकेयी को तो कैकेयी की कूख को प्रणाम करो, माँ को नहीं देखो, माँ की कूख को देखो। कैकेयी ने भरत लाल को जन्म दिया, ये तो कैकेयी ने लीला रची थी राम के कहने से। राम ने कहा मैया ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा अगर मैं राजा बन गया, तो राक्षसों का वध कौन करेगा,
संतों का उद्धार कौन करेगा? दर्शन के लिए 88,000 वर्षों से संत तपस्या कर रहे हैं, राम आएंगे दर्शन देंगे, वो भिलनी के बारे में तो सोचो कुछ, बेचारी कितने लंबे समय से मेरे इंतजार में, अगस्त जी, सुदीक्षण जी, भरद्वाज जी, केवट जी, निषाद राज, कितने बड़े बड़े भक्त है मेरे, लाखों सालों के पुराने जन्मों के भक्त है वो, सब इंतजार में है कि राम आएंगे, मैं यहाँ राजा बन के बैठ जाऊंगा, मैया अनर्थ हो जाएगा। देवताओं को सता रखा है रावण के आतंक ने, हर दूषण के त्रास से बचाना है ऋषि मुनियों को, दंडक बन के संतों को दर्शन देना है मैया। और केकई ने कहा, राम मैं तो तेरे अधीन हूँ, तू जैसा कहेगा मैं वैसा। मैया कोई केकई नाम नहीं रखेगा अपनी बेटी का। केकई कहते हैं केकई जय बाढ़ में भगवान खुश होने चाहिए। हाँ केकई कहते मैंने क्या लेना देना लोगों से, राम खुश होना चाहिए मेरा, लोग मेरे को गालियां देवे, लोग मेरे को ताने देवे, लोग मेरे को कुलता कहें, लोग मेरे को दुष्टा कहें, लोग मेरे को पापिनी कहें, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो राम प्रसन्न होने चाहिए। अच्छा हाँ, भरत की माँ इतनी बड़ी बात कह सकती है? आम औरत नहीं कह सकती इतनी बड़ी बात है। तो राम ने माँ केकई के चरण पकड़ लिए, कह लगे मैया आप एक काम कर सकती हो, आपके पास दो वरदान है, आप मेरे पिताजी से वरदान मांग ले, 14 वर्ष के लिए भरतलाल को राज और मुझे वनवास। और केकई ने राम ने अपने सिर पे हाथ रखाया, सौगंध खाओ, मेरी सौगंध खा के कहो कि तुम ये वरदान जरूर मांगोगी। केकई का हाथ रखाया अपने सिर पे, केकई ने सौगंध खाई और केकई ने राम की खुशी के लिए इतनी लीलाएं रची, अपना अपमान सहन किया, युगों युगों तक सहन करती रहेंगी। लेकिन राम को नहीं छोड़ा, कहती है राम खुश हो जाए, जैसे राम प्रसन्न रहेंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं, समाज मुझको 2.5 दिन का होता है, इस समाज को तो सबने भक्तों ने छोड़ा, सबने ठुकराया, भगवान को पाने के लिए पिता ने प्रहलाद को ठुकरा दिया, गोपियों ने अपने पतियों को बालकों को ठुकरा दिया, मीरा ने अपने राजपाट को सबको छोड़ दिया, भरत ने अपने माँ के कई को ही छोड़ दिया राम के लिए। मैं मान अपमान सम्मान को छोड़ दूंगी राम के लिए, राम मिलने चाहिए। राम कहते हैं राम तुम्हारा ही है, हर पल आपका है, मैं वन में रह के भी केकई का हूं। और केकई ने 2 वरदान मांगे और राम जी उन वचनों के अनुसार संतों को दर्शन देने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए, तभी तो भरत जैसा पुत्र होता है केकई के गर्भ से। यदि केकई के इतने बुरे विचार होते संसारिक स्वार्थ के, तो उनका बेटा भी दुर्योधन से कम थोड़ा ही होता, ये तो उनका बेटा दुर्योधन जैसा होता और राजा दशरथ धृतराष्ट्र के जैसे होते, ऐसा नहीं, वो तो सब के सब देवता थे, दिव्य थे, अद्भुत थे। सीखो बस अपने आप को तिनके से भी छोटा समझ के और उस तिनके को भी भगवान के ऊपर चढ़ा दो। मैं तो तिनके से भी छोटा, त्रिनाद अपि सुनिचेन, हे प्रभु तिनके से भी छोटा हूँ मैं तो, तरोरिव सही सुनुना, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील हूँ, पेड़ को कोई पत्थर मारे जामुन देता है, हाँ सहनशील है और फल देता है। अमानिना मान देन,
जो किसी का सम्मान नहीं करता मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। ये आदमी किसी का सम्मान नहीं करता और हम उसको भी कहते हैं आओ बेटे बैठो बैठो प्रेम से। कई बुजुर्ग होते बड़े शरारती बच्चों को भी प्यार से कहते हैं आओ मेरे बेटे आओ बैठो, तो उन बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। हमें इतना शरारती हूँ और ये देखो कितने अच्छे हैं बुजुर्ग लोग, मेरे को कहते हैं आओ बैठो आओ जी बैठो, तो उनको अंदर शांति पड़ती है। फिर वो धीरे धीरे सुधरते हैं, बच्चे सुधरने की कोशिश करते हैं। कीर्तनीय सदा हरि, और क्या करता हूँ जिनके से भी छोटा अपने आप को समझता हूँ, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील अपने आप को समझता हूँ, जो किसी का सम्मान नहीं करता मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, और चौथा काम सबसे मुख्य काम भगवान की बातें करता हूँ, और फालतू किसी की बातें करता सुनता नहीं है। इतना काम जो करते हैं भगवान कहते हैं मैं तो उसी को मिलता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जो ये पुराण है वेद व्यास जी ने लिखे, इतने भ्रम की बातें देखने में लगती हैं, तो क्या भटकाने के लिए लिखे हैं? ये आपको सही मार्ग पर ले जाने के लिए कथाएं हैं। ये जंगल है, पुराणों की कथाएं क्या है? जंगल। और जंगल में क्या होता है? मंगल। संत होते हैं ना, संत यही करते हैं, जंगल में मंगल करते हैं। और ये बाहर के भी जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इन्हीं से जीवन है, प्रकृति का नियम है। भारत सरकार का भी एक नियम है, कानून है कि प्रत्येक राज्य में 33% जंगल जरूर होना चाहिए, लेकिन लोगों का इस बात पे भी ध्यान नहीं है। 33% जंगल के बिना जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पर। तीसरे हिस्से का तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन नहीं है। पेड़ पौधे सांस लेना सबको चाहिए, शुद्ध वायु सबको चाहिए, पेड़ किसी के घर में नहीं होना चाहिए। क्यों? सीलन हो जाती है। सीलन तो देखिए बड़े बड़े राष्ट्र हैं और उनकी आबादी बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र हैं, देश हैं, अपने देखो हिमाचल है, यमुनानगर से निकलो, मैं ये वहां चला गया एक दिन तालियाम वाली साइड में, मैंने कहा पुंडरी आना कभी फतेहपुर पुंडरी, कह हम नहीं जाते मारू इलाके में। मैंने कहा मारू क्यों है? खूब जीरी होती है, पानी है, फसलें होती है बड़ी बड़ी, खूब फसल होती है, गेहूं होती है, जीरी होती है, पानी बहुत है, आओ आप। बोले ना जी हमारा नहीं मन लगे वहां। क्यों? कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, लोग छोड़ते हैं नहीं, एक पौधा भी अपने खेत में भी छोड़ते नहीं। घरों की तो बात छोड़ो, खेत में भी कहते हैं छाया गिरती है, पत्ते गिरते हैं, फसल कम होती है, ये होता है वो होता है। हमें तो जी नहीं ठीक है, आप ही आ जाया करो यहाँ पे। कितनी अच्छी लगी मेरे को उनकी बात, शुद्ध वायु जलवायु तो इनकी कृपा होती है। जय श्रद्धा संबल रहते नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति, जिन्हन प्रिय रघुनाथ। तो जब
समर्थ सदगुरु का संग मिल जाए, श्रद्धा अपने मन में हो, उनकी बातों के ऊपर हम चलने की कोशिश करें, विश्वास हो कि इनकी बातों पर चलेंगे तो जरूर प्रभु मिलेंगे, तो भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। गज के आनंद को लाया गया, विनायक के सिर पे जोड़ दिया, गणेश जी का नाम क्या हुआ? गजानंद। पहले विनायक नाम है, अब गजानंद हो गया। और कल गणेश क्यों बने वो कथा आपको सुनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। ओम। और शाम की बनाई आय मैया शमीशान निर्वाण रूप विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीचेताकाशमाकाश निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गेरा ज्ञान गोतीत विषम करालं महाकाल कालं त्रिपालं गुणाकार संसार पारं नतोहं तुषारात्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि स्फुरन मौलि कल्लो चारु गंगा लसधाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम ब्रोसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रय शूल नं शूल नमामि शं भो प्रभो पाहि।
आमीश संभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं रुद्राष्टकं भगवते सांब सदाशिवार्पणमस्तु नमः पार्वते पतये महादेव शिव शंभो। एक तो पंखा लगा दो हमारा, बताओ भाई आधा घंटा नहीं होया। बोलिए वृंदावन जो प्रेम गली आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने प्रेम प्रेम सब कोई कहे और प्रेम न जाने कोई और जिस प्रेम से भगवान मिले बस प्रेम कहावे सोई। कोई दुनिया में सोचे कि प्रेम होता है प्रेम नहीं होता। दुनिया में तो मतलब का व्यवहार होता है, दुनिया में होता है स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि सब की यह रीति। संसार में प्रेम नहीं होता, संसार में होता है मतलब स्वार्थ। प्रेम अगर आपको करना है ना तो आपसे प्रेम एक ही करते हैं कौन भगवान। अब आप करो भगवान से तो हो गया प्रेम। अब जिसने भगवान से प्रेम किया ही नहीं भगवान को तो लिस्ट चाहिए बस ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो। अब भगवान को तो इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं, भगवान से कोई प्रेम नहीं किया हमने। मेरे प्रभु आप कुछ मत दो आप बस प्रसन्न रहो, आप प्रसन्न रहो। आप पूरी दुनिया को देते हो, सबको देते रहो, सबका भला करते रहो, बस मेरा तो आपसे प्रेम बना रहे। आप सबको दो, सबको दे रहे हो, हमें तो अपने आप ही मिल जाएगा ना। मेरा काम आपसे प्रेम करना है, आपसे कुछ मांगना नहीं। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने प्रेम गली में जो आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने प्रेम गली। वेद पढ़े और भेद करें वेद पढ़े और भेद करें मन में नहीं निर्मल का आए मन में नहीं निर्मल का कितना भी चाहे ज्ञान कहे कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने भ
भगवान को पाना चाहते हो तो बस देना सीखो, लेना नहीं। भगवान मैं तो आपको दे सकता हूँ, मन देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, चित्त देता हूँ, अहंकार देता हूँ, शरीर वाणी सब तेरे अर्पण, लेता कुछ नहीं है, लेना नहीं है कुछ भी आपसे। लेना क्या है, जो मिलेगा वो तो ऐसे भी मिल रहा है। राक्षसों को, पापियों को, दुष्टों को क्या नहीं मिल रहा, उनको भी जल मिल रहा है, रोटी मिल रही है, धरती मिल रही है, आकाश मिल रहा, वायु मिल रही, सब कुछ मिल रहा, पापी अपराधियों को सब मिल रहा है। हम आपके अर्पण हो जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा क्या कुछ? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्ध धारा लक्ष्मी, तो पापी के भी हो, पापियों के भी है, तो हमारे तो अपने आप ही हो जाएगी। हम तो बस आपको देने के लिए हैं, तन मन धन सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सांवरिया ले चल, परली पार ले चल। ये दुनिया को रख धंधा है, ये दुनिया को रख धंधा है, सब माया जग में अंधा है, सब जग माया में अंधा है, जिस अंधे ने प्रभु देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु देखा नहीं, उसका रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीड़ पराई क्या, वो जाने पीड़ पराई क्या, मोहन की तो मेरा है, मोहन की दीवानी, संसार दीवाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभा क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सरल सिद्ध बाबा श्री रंग जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शिव शंभो।